एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। सॉरी, मैं थोड़ी सी खांसी लग चुकी है मुझे। तो अभी मैं सबसे पहले बनाने लगी हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और अभी मम्मी को खाना है परांठा और उसको आलू, तो मैंने उनको बोला है कि आलू आके वो कर लो। रही मेरी ग्रीन टी। मुंगनिया आपने पीनी है ग्रीन टी? इन्हें पीनी है तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ, दोनों पी लेंगे ग्रीन टी। आज इन्हें जो जो मैंने खाना ना, इन्हें सब कुछ ट्राई करना है। तो इन्होंने रात को शायद नीचे से गैस बंद कर दी थी, मैं कम ही करती हूँ लेकिन कर देनी चाहिए। मैं थकी इतनी होती मैं मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। ग्रीन टी चढ़ा दी मैंने और जो मैंने दाल रखी थी ना आज वो भी बना लेती हूँ। अभी मेरे को भूख लगी है इतनी जोरों से का सच बताऊँ तो। मुनी आ जा यार, ग्रीन टी चढ़ा देती हूँ मैं, उसके बाद वो बनाती हूँ, वो खाते हैं थोड़ा थोड़ा। ग्रीन टी मैंने इसमें डाल दी। और ग्रीन टी ना ये वाली लेना जो इसमें होती है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये वाली एक तो होती है पाउच वाली आती है, और एक पॉलिथीन में भी आती है, गत्ते में आती है, और एक इसमें आती है स्टील का है कि किसका है, मतलब मेटल का होता है। इसमें हो ना जो ये ठीक रहती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना जो गत्ते वाली आप खोलेंगे ना वो चिपक जाती है आपस में। इसमें ये एयर टाइट होता है ना बॉक्स, तो इसमें हवा नहीं जाती और इसमें बिल्कुल एकदम सही रहती है। तो ठीक है, इसको रख देती हूँ, साथ साथ में प्याज टमाटर और वो सब करके वो करती हूँ। आज हम दोपहर को जाएंगे वो खाने के लिए, पता है क्या, राजमा चावल। बकलोल ने खोला ना नया, तो आपको भी लेके चलूँगी वहीं पर, आपको भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी और सब मजे मजे करेंगे। ओके, तो ठीक है अब मैं लेके चलती हूँ, साथ में ये भी बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा ये खाएंगे। जब तक ग्रीन टी बनने की पियेंगे तब तक हमारा ये भी बन जाएगा चना वाला, है ना। तो हमें भाई सारे प्रोटीन भी लेना है, सब कुछ लेना है। कल मुंगनी मेरे को देख के हैरानी हो गई, बोलती इतनी जल्दी पतली कैसी हो गई। थोड़ी सी पतली तो हुई हूँ लेकिन मैं, चल ठीक है गाइस मैं बना लेती हूँ। ये तो वही है चने और राजमा जो मैंने वो किए थे, मैंने इसमें डाल के रखे थे। अब इसमें ये डालूँगी और साथ में डालूँगी इसमें क्या बोलते हैं इसको, लेमन बस। तो ठीक है गाइस ये सब मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ग्रीन टी रेडी है, मंगली तब से उठी हूँ। मैंने आपको क्या बोला था, बन गई है चरिश जैसे बन नहीं रहती है हर वक्त। मुझे यार ब्रश करना था, मैं राजमा बना रही थी जो इतना टाइम लगना था। नहीं होगी जब जल्दी ब्रश करना, नहीं होगी। और गाइस फिर मैंने बनाई ये वेजीज। तो ये वेजीज बनाई कैसे, इसमें डाला मैंने टमाटर, डाला टमाटर चॉइस अब डालना कि नहीं डालना पर मैंने डाल दिया। और उसके बाद शिमला मिर्च डाली है, मशरूम डाला है, बीन्स डाली है, पनीर होगा आपके पास तो पनीर डाल सकते हो, मेरे पास पनीर था नहीं। और बस शिमला मिर्च डाली है और प्याज डाला है, डेट्स इट, यही सब चीज़ें डाली है। थोड़ा सा ऑयल डाला था बस, और चिली सॉस डाली थी मैंने बाद में, वो मैंडेटरी आ गई, मैंडेटरी तो नहीं है मतलब अगर आपने डालना तो डाल सकते हो, अदरवाइज ठीक है ऐसे ही। बस थोड़ा सा इनको फ्राई करना है और बस फिर खा लेना। सो गाइस मुझे एक इंस्टाग्राम पे सॉरी यूट्यूब पे एक कमेंट आया था कि मैंने कोर्स कहाँ से किया वो सब डिटेल्स। तो गाइस जो चीज़ मैं कर रही हूँ आपको वो सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं बैंक में जॉब करती थी, मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे के इस फील्ड में आई हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा था, ठीक है। तो हस्बैंड ने भी, मतलब आप सबको पता ही है बैंक की जॉब करना कोई आसान चीज़ सहा नहीं है, ठीक है। टाइमिंग इशू, छुट्टी नहीं मिलती,
कहीं जब कुछ बहुत सारे मतलब मैरिड लाइफ है, ससुराल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं या मायके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब छुट्टी चाहिए होती है तब छुट्टी नहीं मिलती थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जो वहाँ पे जब हम जॉब करते हैं मतलब नहीं होता है। ठीक है, मे बी जब मैं बिज़नेस करूँगी, मे बी मेरी लाइफ इससे भी ज़्यादा बिजी हो जाएगी, वो फ्यूचर की बात है। मतलब हर कोई पैसे के पीछे भागता है, ठीक है ना। अब मैं वो स्टेप छोड़ के इस स्टेप में आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है आगे मैं बंदे रख लूँगी तो एटलीस्ट मैं तो फ्री रहूँगी ना, कि अगर मुझे कभी कहीं जाना पड़ेगा तो मैं एटलीस्ट मैं तो जा सकती हूँ ना, किसी पे डिपेंड तो नहीं हूँ। और ये एक मुझे बोला था किसी ने कि जॉब क्यों छोड़े, तो ये रीज़न था कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती थी, डेट्स वाई मैंने सैलून ओपन करने का डिसीज़न लिया। और दूसरी बात ये है कि मैंने कहाँ से सीखा, वो क्या चीज़ें हैं, मतलब तो जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता बाकियों का, तो जहाँ से मैं सीख रही हूँ मतलब वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मतलब जैसे कि उन्होंने मेरे को बोला था कि 6 मंथ का कोर्स था एंड वो खींचते खींचते मेरा 1 साल हो चुका है ना। जब मैं मानती हूँ 2 महीने मेरी बाजू टूटी थी, पर स्टिल मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा कोर्स खींचना चाहिए था। कभी टीचर्स नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, नॉर्मल सब चीज़ें वो हर कहीं रहती हैं मुझे लगता है। पर मैंने कहाँ से किया, मेरा पैकेज क्या था, ड्यूरेशन क्या थी, ये था फलाना ढिकाना। अब मुझे देख के कुछ भी डिसीज़न मत लो, मैं तो यही कहती हूँ कि आप मुझे देख के मत डिसीज़न लो कि मैंने कहाँ से किया, मैंने कैसे किया, वो मुझे ही पता। बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप पहले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ या किसी सैलून में जाओ, पहले आप एटलीस्ट 5 या 10 दिन डेमो क्लासेस लो। जब आप डेमो क्लासेस लेने जाते हो ना, तो जब आप बाकी स्टूडेंट के साथ बैठते हो तो तब आपको वहाँ पे क्या चल रहा है वो स्टूडेंट ही आपको बता देंगे। मैंने यही गलती की है कि मैंने मतलब 1-2 जगह गई हूँ लेकिन मैंने डेमो क्लासेस नहीं ली। मतलब जहाँ थोड़ा मुझे लगा कि ठीक है करना चाहिए तो मैंने वहीं पे कर लिया, पर मैंने उतनी सर्च नहीं की थी। पर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई भी मतलब चाहता है, मतलब कोई भी जैसे बोलता है ना कि मतलब कहीं भी मतलब इस कोर्स पे हमारा पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके मतलब किसी को भी देख के कर लो, तुम पहले जाओ 2-3 जगह जाओ, वहाँ पे हर जगह डेमो क्लासेस लो। जब आप डेमो क्लासेस बाकी स्टूडेंट के साथ बैठोगे तो वो जब आपस में कम्युनिकेशंस होती हैं तो मतलब कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आपके सामने आ जाती हैं कि इस इंस्टीट्यूट में ये है, जो भी चीज़ें होती हैं वो आप सबको पता लग चल जाती हैं। वहाँ से आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट है। मतलब मुझे यहाँ तक लगता है कि किसी को देख के आपको अपना डिसीज़न नहीं लेना है, आप जिस चीज़ पे आपका पूरा फ्यूचर है उस चीज़ को पहले आप देखो, क्लासेस लो, डेमो क्लासेस ले लो 2-3, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना क्या सिखा रहा है। ठीक है, मेरा तो यही कहना है। और लव मैरिज या अरेंज मैरिज इस टॉपिक पे मैं व्लॉग अभी नहीं बनाऊंगी, तो इस टॉपिक में मैं व्लॉग बनाऊंगी, अभी मेरी मंगनी रेडी नहीं है व्लॉग के लिए। ये बोलते हैं कि इस व्लॉग को हम तब बनाएंगे जब हमारे 50K हो जाएंगे या 100K हो जाएंगे यूट्यूब पे, तो इस व्लॉग को हम तब बनाएंगे। मैं कट रही हूँ, ठीक है तब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यहाँ यूट्यूब पे इतना वो रहती नहीं हूँ, एक्टिव रहती नहीं हूँ यूट्यूब पे, कभी एक्टिव हो जाती हूँ कभी नहीं रहती हूँ, तो जिसके कारण मेरे सब्सक्राइबर भी शायद कम बढ़ रहे हैं। तो चलो कोई ना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ, और किसी के और भी क्वेश्चंस होंगे तो मैं ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग में वो डिस्कस करूँगी। बाकी अभी मैंने 2-3 मैसेज देखे थे तो वो मैंने बता दिया, तो मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो इस पे ही आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड है। पहले आप 2-3-4 सैलून में जाके या एकेडमी में जाके डेमो क्लासेस ले लो, जहाँ पे आपको समझ आता है कि यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, आप वहाँ पे जाके कर लो, किसी को देख के कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बड़े सारे ने बोला कि सना चौहान के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ तक लगता है कि आपको अकेडमी से सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल को आपका नाम बन जाएगा, ठीक है ना, तो जिससे आपने सीखा है आगे से वो अपना नाम वैसे उस तरीके से कमाएगी कि ये मेरे से सीखे गई है एंड ऑल सब चीज़ें, वो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपने एकेडमी में सीखा तो आप अपना नाम अपने लेवल पे अपना नाम बना रहे हो, किसी के
बेस पे नहीं बना रही हूँ कि मैंने इससे सीखा हुआ है, तो मैंने ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो मैंने इससे सीखा हुआ है तो मेरा काम चल पड़ेगा, या लाइक वैसा। आप कहीं से भी सीखोगे ना तो आपके हाथ पे डिपेंड करता है। अगर आप मेकअप भी करते हो, आपके हाथ अगर क्लीन नहीं है, अगर आपका मतलब बेस अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तो कोई भी मेकअप नहीं कराएगा, ठीक है। सबसे पहले जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा वो, चाहे आप किसी से भी सीख लो, गौतम वाली से सीख लो, जो भी है मीनाक्षी दत्ता एंड ऑल, जिससे भी सीखना सीख लो, पर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही हाथ खुलेगा। बाकी आप जहाँ मर्जी से करो, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, आप मेरे से सीख लो, मैंने भी सीख ली है। मैं तो यही बोलूँगी भाई, जब आपने उनसे सीखना, सिखाने का तरीका तो सबका सेम ही होता है ना, तो मतलब डिपेंड करता है हम पे कि हम किस चीज़ को कितना कैच करते हैं, ठीक है ना। और मैंने VLCC इंस्टीट्यूट त्रिकुटा नगर से ये कोर्स किया हुआ है। मैंने, मेरा स्किन बेसिक है और हेयर एडवांस है, मेकअप बेसिक है, क्योंकि एडवांस में मैक्सिमम लुक्स वगैरह होती है जो हमारे काम की होती नहीं है, और नेल्स मेरा एडवांस था, तो बस यही कोर्स थे मेरे। और पैकेज अराउंड ये नहीं मैं बता सकती, सॉरी, क्योंकि पैकेज का हमें बताना एलो नहीं होता है इसलिए। तो चलो एनीवे, हो करती हूँ, जो भी थोड़े डाउट्स थे मेरे मेकअप कोर्स को लेके तो वो मैंने क्लियर करती हूँ। तो और भी अगर किसी को क्वेश्चन पूछने होंगे वो मुझे पूछ देना, क्योंकि जो इसके नेक्स्ट व्लॉग होगा तो वो मैं उसमें डिस्कस कर लूँगी। चलो ठीक है गाइस, अब मैं आज सुबह से नहाई भी नहीं क्योंकि आज मैंने सुबह जाना था वॉक करने के लिए और मैं वॉक करने गई नहीं। मुंगनी आई थी ना, तो मुंगनी के आने से मेरा पूरा वो होता है ना, जो पूरा ही ख़राब हो गया। अब देखती हूँ मैं शाम को, ये मुंगनी बोल रही है कहीं घूमने जाएंगे, तो शाम को भी पता नहीं वॉक होगा कि नहीं होगा, पर मैं ट्राई करूँगी। बेशक मैं 8 बजे भी पहुँचूँगी ना, तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं वॉक ज़रूर करूँगी लेके। तो ठीक है, मिलती हूँ आपको बाद में, थोड़ा सा काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। मुंगनी के लिए खाना भी बनाना है, लंच बनाना, अभी 1:30 बज गया, मुंगनी के लिए लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं लूलू खेलने के लिए, अंकल ने कुंडी लगाई है बहुत ही जोर से। शाम को वॉक करने दी, शाम को अभी मेरा टाइम होता है, अभी हम ऐसे ही जा रहे हैं फिरने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर हम जल्दी आ गए, मतलब 8 बजे तक भी आ गए, 8:30 तक भी आ गए, तो मैं 9:30 तक वॉक कर दूँगी। तो ठीक है, निकलते हैं, मिलते हैं हम आपको थोड़ी बात में। गाइस आज मैंने 4.26 किलोमीटर ही किया है, क्योंकि ना जीन्स पहन के आई थी तो इससे कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि हम लोग गए थे मार्केट, और मार्केट से आते हुए मुंगनी इधर बैठी थी, मेरे लिए वेट कर रही थी, और मैं सोचा कि काफ़ी है इतना सा आज के लिए, तो अभी चलते हैं हम घर। तो ये पैंट के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी मैंने 4 किलोमीटर कर लिया। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, कुछ निकलेंगे जब हम यहाँ से। तो गाइस खाना ये खा के आ गए, राजमा चावल, हम गए थे वहीं पे, तो वहाँ पे खा के आए, और मैं पीने लगी हूँ अभी दूध, और दूध के साथ अब मैंने ना सुबह के लिए ड्राई फ्रूट जो हैं वो मैंने भिगो दिए हैं, और चिया सीड्स भी भिगो दिए हैं। तो अभी बस इसी के साथ अब सोने लगी हूँ, इसी के साथ मैं अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करने लगी हूँ। होप करती हूँ मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, गुड।